ये हमारा चार्जर का ट्राइपॉड जो रेड वाली 48 वोल्ट यहाँ से आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से एक वायर निकला हुआ है ये पतला, ठीक है, और जो डायबोर्ड से एम्पियर मीटर में जा रहा है ये ब्लैक तार, डायबोर्ड से एम्पियर मीटर में ये ब्लैक तार इस साइड निकला हुआ है, ये रेड जा रहा है, ये जैक बना हुआ है ये, ठीक है, ये रेड हमारा जाता है इस पे, यानी ये लाइन देखा जाए तो ये लाइन आ रहा है फर्स्ट वाले जैक पे रेड, और ब्लैक आ रहा है हमारा सेकंड वाली लाइन पे, सेकंड वाली लाइन है ये, ठीक है, और हमारा ये निकला हुआ है एक, अभी ये चार्जिंग के बल्ब पे, ये चार्जिंग वाली देखते हैं हम, चार्जिंग वाली ये निकला है मेन, चार्जिंग वाली का मेन वायर आता है हमारा सेम जगह, मतलब कि ये, अब इसकी लाइन देखे तो हम ये आ रही है आपके थर्ड नंबर वाले जैक पे, नीचे वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, थर्ड वाली लाइन पे ये चार्जिंग का लूप वाला, ठीक है। अब पकड़ते हैं हम ये इसकी अर्थिंग पकड़ लेंगे, ये इसकी अर्थिंग कहाँ जा रही है, इसकी अर्थिंग है हमारे इस बोर्ड में देखा जाए तो अर्थिंग ये इसको पकड़ लो आप, यहाँ से ये आ गया, नीचे ये आ गया, यहाँ के ये आ गया, यानी फर्स्ट वाले जैक पे, ठीक है, सबसे ऊपर यानी चौथे वाले पे आ रहा है ये आपकी अर्थिंग वाली, जो एम्पियर मीटर से निकल के अर्थिंग पे यहाँ, और यहाँ से निकल के फिर फर्स्ट ऊपर वाले जैक पे, यानी नीचे से चौथा ऊपर वाला, ठीक है। तो हमारे पास कितने वायर निकल गए, पहले यहाँ रेड फर्स्ट, फिर सेकंड में ब्लैक, फिर आपके थर्ड में आए हम ये बल्ब की लुप वाली चार्जिंग थर्ड पे, और चौथे पे हम आ गए थे आपके ये ब्लू वाली, ये अर्थिंग वाली जो एम्पियर मीटर से फिर इसमें आया है, ठीक है, चौथे पे। तो हम ये चार तार हटा देंगे अभी यहाँ से दो, और दो चार, अब रह गया बैटरी फुल चार्जिंग का ये वायर निकला हुआ है, ये हमारे प्लेट में लगा हुआ है इस पोजीशन में देखा जाए तो, इधर से देख लेते हैं, ये फर्स्ट कट सेकंड कट ये दूसरी गुलाई के बीच में, यहाँ पर भी देखा जाए तो सेम वही चीज कहाँ आएगा आप देख सकते हो, ठीक है, ये डबल वाले पे जी, ये देखो बना हुआ ना ये डबल, हाँ आप देख सकते हो, मैं सुई से दिखा देता हूँ, ये देखो ये डबल पॉइंट बना हुआ है, डबल पॉइंट, ठीक है, इसमें भी वही देखो डबल पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन, पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन पे, पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन, ठीक है, चौथी लाइन पे ये कौन सा जा रहा है हमारा, चौथी लाइन पे ये वाली जा रही है हमारी, ये बैटरी जो फुल चार्ज होता है ये चौथी लाइन पे, इसमें भी कुछ किटी सर्किट वगैरह ये लगा रखा है आप देख सकते हो, ठीक है, ये लाइनिंग चली जाती है नीचे। अब हम आते हैं पाँच तार का हो गया हमारा, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, हम आते हैं ऑटोमेटिक मैनुअल, ये येलो वाली तार हमारा इसमें है, ऑटोमेटिक मैनुअल का चला जाता है आपका इसमें,
देखो मैंने पूरा निशान मार रखा है, ये येलो वायर है ये, इस पे तो आप देख सकते हो नीचे से प्लेट के कहाँ जा रहा है, ये इस जगह पे जी देख सकते हो आप। ये जो दो निशान है कोने से आप पकड़ो, कोने का तीन, इसका भी कोने का तीन, इसमें दो छोड़ दो दूसरी वाली पे, इसमें भी दो छोड़ दो दूसरी वाली पे, यानी इसमें आएगा आपका ये ऑटोमेटिक मैनुअल वाला, ठीक है ध्यान से, ऑटोमेटिक मैनुअल वाला सिस्टम इसमें एक कनेक्ट होगा जो स्विच से जा रहा है ओनली, खाली स्विच से, ठीक है। एक इसमें और एक ये वाइट वाला तार जो जा रहा है हमारा, ये वाइट वाले तार जा रहा है इससे, आपको मैं दिखा दूँ एक मिनट सुई से, देखो नीचे ये बड़ा वाला पकड़ो ऊपर की लाइन से, नीचे छोटी वाली लाइन, ऊपर की लाइन से नीचे छोटी वाली लाइन, यानी कि इस जगह पे, ठीक है इस जगह पे, इस वाले प्लेट में यहाँ ऐड हो रहा है, दूसरी वाली ऑटोमेटिक मैनुअल की ये स्विच का इसका, ठीक है। एक तो मैं आपको बता दिया कहाँ पे, ये ब्लैक वाले पे, इस पे, ठीक है, दो के बगल में, एक तो इसमें इस पूरी लाइनिंग में, ठीक है, और आपका एक आएगा इस जगह पे जो वाइट वाला मैं आपको बताया, ये वाइट वाला, ये आएगा आपका इस जगह पे, समझ गए होंगे आप, वाइट वाला एक यहाँ पे और ब्लैक वाली इस पे, ब्लैक वाली इस पे और वाइट वाली आपका इस पे, वाइट वाली इस पे और ब्लैक वाली इस पे, समझ गए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये आ जाता है हमारा एसी वोल्टेज, ठीक है एसी वोल्टेज हमारी डायरेक्ट फ्यूज से ये, पहले तो एक वायर आया हुआ है एसी वोल्टेज का और एक हमने यहाँ डायरेक्ट कर रखी है। हम पहले बात करते हैं हम किस किस चीज़ में ये एसी वोल्टेज एक डायरेक्ट कर रखे हैं, पहला ट्रांसफार्मर, दूसरा 909, तीसरा ये येलो वाली, ये चला गया आपके मैन लाइट पे, ठीक है तीसरा ये मैन लाइट पे, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, और एक चला गया हमारा एसी फैन में जो पंखा को चलाती है एसी 240 वोल्टेज में, तो हमारे यहाँ आ गया चार वायर, एक मीटर में गया ट्रांसफार्मर में, एक 909, एक मैन वाली बल्ब पे, एक फैन पे, ठीक है। अब 909 का जो आउटपुट निकल रहा है ये कि हमें कहाँ लगाना है, देखते हैं, कोई निशान नहीं, निशान है एक लाइन है ब्लैक, तो इसमें तो 909 हमारा आएगा इस वाले स्लॉट में, प्लस माइनस इसका देखना पड़ता है, ठीक है। तो जिस पे मैं निशान लगा रखा हूँ ब्लैक है, इसके ऊपर मार्कर से मैंने निशान लगा रखा था, वो है आपका ये, यानी फर्स्ट सेकंड, यानी ऊपर से देखा जाए तो इस जैक के ये
सेकेंड वाली है ये ब्लैक, ये जो 909 में से निकला हुआ आउटपुट ये, ठीक है, ये फर्स्ट, ये नहीं सेकेंड, मैंने मार्क कर रखा था यहाँ पे भी देख सकते हो आप, और इसमें भी मार्क कर रखा था देख सकते हो आप, सेकेंड, ठीक है। और एक और वायर इसमें आया हुआ है हमारा 909, जो इसमें देख सकते हैं हम, ये निकला हुआ है इस जगह से, ये मैं दिखाऊंगा आपको, ये यहाँ देखो, ये कट करके दोनों जॉइंटर में से आई हैं, ये देख सकते हो आप, यहाँ भी देख सकते हो जॉइंटर के बिल्कुल सीधे वाले पे, इस पे 909, ठीक है, 909 एक यहाँ और एक, थोड़ा करीब कर लूँ, एक यहाँ 909, ठीक है, और एक 909 हमारा ये ऊपर। अब देखते हैं ऊपर कहाँ 909 आ रहा है, ऊपर आ रहा है यानी कि जैक पे हमारा ऊपर आ रहा है 909, 909 जो मैंने निशान मार रखा है वो है इस पे सेकेंड पे, सेकेंड वाला यानी इसको सीधा कर ले तो बीच वाले जैक में एक नीचे, बीच वाले जैक आ रहा है हमारा इस साइड का सेकेंड वाला, नीचे वाले फर्स्ट, नीचे वाली फर्स्ट, बीच वाली सेकंड, ठीक है। और 909 एक आ रहा है हमारा यहाँ से नीचे से, तो नीचे भी हमारा कोई जैक जा रहा होगा, नीचे ये गया, ये गया, इसकी प्लेट देखना पड़ेगा मुझे सही से, 909 यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, चलो देखते हैं इसको, दो 909 हो गया। अब हम बात करते हैं ये जो ये इसका, ये एसी जो हमारा फ्यूज से होके निकलता है वो, और यहाँ डायरेक्ट की तो बात कर ली, अब यहाँ फ्यूज से होके निकल रहा है, देखो एक तो डायरेक्ट इसमें आ गया, चला गया ट्रांसफार्मर में 909 पंखा और मैन वाले बल्ब पे, और इसमें कुछ कन्वर्सर वगैरह लगाया हुआ है ये मैन वाले बल्ब पे, नहीं तो डायरेक्ट फूट जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा चला गया ये ब्लैक वाली, यानी ये आ गया हमारे कौन सी वाली पे, नीचे वाली लाइनिंग, ये नीचे वाली जो है ये डायरेक्ट एसी वोल्ट है, मतलब फ्यूज से हो गया है, ये चला गया नीचे लाइन पे, यानी कि दूसरी वाली पे, ये लाइन आप देख रहे हो, लाइन में दिखा दूँ एक बार आपको, ये आया हुआ है नीचे वाली लाइन जो बिजली से फ्यूज से होके आएगा, ठीक है आपका, यहाँ से ये 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 हमारा मॉस्फेट, ये हमारा मॉस्फेट, ये बीच वाली पे आप देखो, अब इसको पलटो तो ये आ गया हमारा ये मॉस्फेट, इसमें पहले आएगा आपका बिजली का जो फ्यूज से इसमें, ठीक है, फ्यूज से इसमें, और एक जो ट्रांसफार्मर में भी जाएगा हमारा फ्यूज होके वो है हमारा ये वाला, यानी फर्स्ट वाला, ठीक है, ये फर्स्ट वाला यानी ये जा रहा है, ये यहाँ से निकल गया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये हमारा पहले वाला मॉस्फेट, प्लेट पलटेंगे हम, ये पहला वाला मॉस्फेट, यानी पहला वाला मॉस्फेट हमारा गया ट्रांसफार्मर वाली से, ठीक है, पहला वाला मॉस्फेट,